लोगों को भड़काया जा रहा है। हम लोगों को सरकार के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। भड़काओ मत उसे, वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है भड़काना या फिर उकसाना। भड़काना या फिर उकसाना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करनी है प्रोवोक, प्रोवोक के बाद आपको यूज करनी है अदर वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, प्रोवोक एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे कि प्रोवोक, प्रोवोक्स, प्रोवोक्ड, प्रोवोकिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। लोगों को भड़काया जा रहा है, द पीपल आर बींग प्रोवोक्ड, द पीपल आर बींग प्रोवोक्ड। भड़काओ मत उसे, या फिर उसे मत भड़काओ। डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम। वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। सी वॉज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, सी वॉज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। हम लोगों को सरकार के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। We shouldn't provoke people towards the government. We shouldn't provoke people towards the government. कुछ असामाजिक तत्व भीड़ को भड़का रहे हैं। Some antisocial elements were provoking the crowd. Some antisocial elements were provoking the crowd.